18वीं लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव आयोग के द्वारा सारी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ की गंगा नगरी ब्रजघाट में, जहां के लोकप्रिय विधायक हरिंदर तेवतिया जी आज प्रचार प्रसार के लिए यहां आए हैं और उन्होंने अपने जो यहां के प्रत्याशी हैं कंवर सिंह तंवर, उनके लिए वोट मांगी है और क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं और क्या क्या वो कार्य यहाँ आगे करेंगे, उनसे बात करेंगे। स्वागत है विधायक जी, पहले तो हापुड़ हलचल में आपका धन्यवाद। और जो ये आज का आपका ये कार्यक्रम रहा, क्या कार्यक्रम रहा? चुनावी कार्यक्रम है, 26 अप्रैल को चुनाव है, उसी के लिए मीटिंग होती है नुक्कड़ सभा। इसके अलावा आप मानते हैं कि इस बार जो भाजपा का नारा है 400 पार, इसमें कहां तक आप अपनी इस बात को मानते हैं? 400 पार है तो 400 पार होगा, पूरा मानते हैं, कोई इसमें कोई वो नहीं है, 400 पार ही रहेगा। किन उपलब्धियों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, चाहे हाईवे है, चाहे किसान सम्मान निधि है, चाहे उज्ज्वला योजना है, कितने ही ऐसे कार्य, पहले यहाँ से जाने में दिल्ली या गाजियाबाद मुरादाबाद जाने में कितना समय लगता था, आज कितना समय लगता है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। अच्छा, जो अपना कंवर सिंह तंवर जी प्रत्याशी हैं, जो विपक्षी जो दल रहेगा दूसरा दल, आप किसको मानते हैं, समाजवादी को या बसपा को? हमारा सामने कोई नहीं है, कोई नहीं है टिका हुआ, नहीं कोई नहीं। अच्छा, गंगानगरी को लेकर कई जगह ये माना गया, कुछ लोगों में नाराजगी भी हमने देखी गई, जैसे कई जगह कुछ विकास कार्य अवरुद्ध थे वो नहीं हो पाए, कहां पर जैसे बताया गया हमने लोग, हाँ मीडिया के जरिए बताएं, एक आध का नाम बताइए। विद्युत शब्दाग्रह बनाया जाना प्रस्तावित था, नहीं बन पाया। गंगा के किनारे डैम बनाया जाना था, वो नहीं बन पाया। तो डैम यहाँ पर कहां? रैम। अच्छा, रैम नहीं, अभी आपने देखा होगा ब्रजघाट पे, पहले आपने देखते होंगे घाट किस तरीके का था, आज कैसा घाट है ब्रजघाट पे, आप देख आपके सामने ही है बना हुआ। और क्या उपलब्धियां रहेंगी जीतने के बाद? अगर मानते हैं सांसद जी जीतते हैं तो उनके लिए, यार आपके द्वारा गंगा नगरी के लिए किस प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश से हरिद्वार अलग हुआ है तो मेरी भी और माननीय सांसद जो बनेंगे हमारे कंवर सिंह तंवर जी की भी यही वो रहेगी, बात करके करेंगे कि इसको हरिद्वार की तर्ज पर ब्रजघाट को बनाया जाए। और हमारे साथ ब्रजघाट के भी नागरिक हैं, गणमान्य नागरिक हैं, राजू भैया जी, उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका शर्मा जी, आप क्या कहेंगे बताइए? विधायक जी ने कहा आपकी बार तो 400 पार होनी है, मतलब भाजपा बिल्कुल पक्का पक्का, कोई कोई विपक्ष नहीं है। अच्छा, आपकी बार 400 पार। और ओम प्रकाश पहलवान जी भी हैं, बताएंगे, बताएं आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पूरा माहौल है, हर गांव देहात में खुशी है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और सभी तीर्थों का विकास होने जा रहा है। योगी जी ने सभी जगह तीर्थ परिषद घोषित किए हैं और गढ़ को भी तीर्थ परिषद घोषित कराकर यहाँ का बहुत अच्छा विकास विधायक जी कराने के प्रयास में है। और जो आपने शमशान घाट वाली बात बताई थी ना विधायक जी से भी, ये भूमि माँ जो है ये वन क्षेत्र की भूमि है जी, उससे परमिशन के लिए विधायक जी ने पत्राचार किया है जी, तो उसका परमिशन आता ही उसका शब्दाग्रह बना दिया जाएगा, वो उसमें कोई देरी नहीं है किसी काम की। धन्यवाद। ये थी जनता ब्रजघाट की, नगर की जनता जो जिन्होंने बताया कि भाजपा के नेतृत्व में जो तीर्थ नगरी का संपूर्ण विकास कराया जाएगा। कैमरा पर्सन नवनीत शर्मा के साथ मुकेश शर्मा, हापुड़ हलचल।